इस तरह से कुछ ये विलेज है इनका। विलेज नेम गाइस, स्वागत है आपका एक और नवे वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल भरत इंदौरी पर। और आप सबको मेरा यानी भरत इंदौरी का फिलहाल हेलो मैं आपको ऐसे ही बोल पाऊँगा। और ये भैया का भैया का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ मैं कहीं ना कहीं रात में स्टे किया हूँ और भैया ने चाय भी पिलाई और शाम को कुछ वो क्या था वो खाने का वो भजिया खिलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, ये भैया ने काफ़ी हेल्प करी और इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। मॉर्निंग के नज़ारे यहाँ के, सुबह मैं इधर ही था, पीछे आपको उधर पहाड़ दिख रहे हैं, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, बादल हट गए हैं थोड़े थोड़े और फिलहाल हम चले पड़े हैं आगे। भैया यहीं के आप इधर कहीं योर विलेज। हाँ सो फिलहाल इनके विलेज की तरफ से होके निकलेंगे क्योंकि इनको इनका मिल्क भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आपका काम भी मत रोकिए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे इधर से। तो इस तरह से कुछ ये विलेज है इनका, फिलहाल आगे जा रहे हैं हम लोग। विलेज नेम बटरपुरम। तो ये विलेज है बटरपुरम करके विलेज है इनका, तो फिलहाल हम लोग इधर ही जा रहे हैं। इनका शायद निकलिया अच्छा मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हाँ ये कुछ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इनका। और ये जो गांव में देख रहा हूँ एक्चुअली ये मेन रोड रोड पे बसा हुआ है, मतलब आप देखेंगे तो दूर नहीं दिख रहा है, ये पूरा दोनों रोड के दोनों तरफ ये गांव बसा हुआ दिख रहा है। हो सकता है इसका पैटर्न ही यही हो इस गांव का। पीछे मिल्क के वो डब्बे रहते हैं जिसमें मिल्क रहता है दूध, वो ये अलग अलग जगह सेंटर में जाके कुछ रखने का काम करते हैं शायद, इनके फ्रेंड है शायद। हेलो एक्चुअली इनका ये इधर घर था, एक्चुअली इन्होंने बताया कि मेरा घर योर होम। हाँ इनका नेम होम बटरपुरा मीन्स यू लिव्ड इन बटरपुरा। हाँ तो ये बटरपुरा में ही रहते हैं और बटर बेचते हैं, बटर यू नो बटर मिल्क बटर, तो बटरपुरा वाले भैया मिले बटर वाले। जो कपास होती है हमारे इधर उसको कपास को क्या क्या बोलते हैं इधर, उबरती। हाँ। तो उबरती करके कुछ बोलते हैं कपास को, क्योंकि कुछ कपास के भी फील्ड गए हैं, बाकी केले और ताड़ और ये तो बहुत सारे मिलेंगे इधर। इधर ताड़ भी मैंने ज़्यादा देखे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये जो पेड़ आएंगे मैं आगे बताता हूँ जिसे वो निकल रहे हैं, ये ताड़ के पेड़ है सारे। वो नील राइस। हाँ राइस। क्या बोलता है उसको तमिल? नील। तो तमिल में राइस को नील बोला जाता है, तो ये राइस के खेत दिख रहे सारे के सारे। आप ये भैया एक्चुअली मैं पेट्रोल पंप पे ही था, वहाँ से निकलने वाला था और आए मेरे को ऑफर किया ना आप हमारे गांव के उधर चलोगे क्या, तो मैंने कहा मैं तो आगे जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं रामेश्वर की तरफ जाऊँगा, तो ये बोले मैं आगे 40 किलोमीटर तक आगे वहाँ यहाँ से जाऊँगा आगे, अगर आपको चलना है मेरे साथ। दोनों तरफ राइस ही राइस। तो ये बोले 40 किलोमीटर तक मैं जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो फिर मैं इनके साथ आ गया हूँ। और हम लोग अच्छी चीज़ ये है कि मैं गांव के रास्ते से जा रहा हूँ, तो हमने एक्सप्लोर तो किया है लेकिन मेन हाईवे किया है, तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं गांव के जो रास्ते यहाँ के उन रास्तों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर। और बाकी आपने देखे होंगे पहाड़, सुंदर सुंदर जो नज़ारे हैं, ये देखो ये उधर वही वाले पहाड़ जो हम लोग पहले देख रहे थे। बाकी इधर ज़मीन थोड़ी उपजाऊ भी है, कुछ बंजर भी है, बंजर में कांटे वांटे लगे हुए हैं कुछ, बाकी एक और गांव आ गया शायद, ये हो सकता है उसी का पार्ट हो गांव का। और आगे चर्च दिख रहा है मेरे को, स्कूल में स्कूल। हाँ एक्चुअली आगे स्कूल है वो, मुझे लगा शायद चर्च होगा लेकिन स्कूल आ गया है, ये बिग स्कूल। तो ये स्कूल है ये जो जा रहा है, ये इनके गांव का स्कूल ही है एक्चुअली। ये एक्चुअली पहाड़ दिख रहा है पूरा, ये इसको शायद नांगनेड़ी करके कुछ बोलते हैं पहाड़ को, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और
बाकी ये इस तरह का कुछ नज़ारा है, और सामने ट्रेन भी है, शायद ट्रेन का बता रहे थे कि हमारे गांव के इधर ट्रेन भी निकलती है। ये फिलहाल आगे आ रही ट्रेन, देखो अभी रेलवे स्टेशन नेम नांगनेड़ी। हाँ, तो रेलवे स्टेशन जो है वो नांगनेड़ी करके है जगह पर। तो दोस्तों जो केले होते हैं, जो हम लोग केले जो खाते हैं उसको ये मड़म मड़म मड़ई वड़म वड़ई पड़म करके कुछ ये बोलते हैं यहाँ पर। तो ये वड़ई मड़म करके कुछ बोलते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ गया, भैया जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो आप समझ जाना। तो ये नाम है, अलग अलग नाम है एक्चुअली। तो यही होता है, आप जहाँ अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ का कल्चर आपको पता लगता है, आप लोगों से मिलते हो, कुछ सीखते हो। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं खेत, सारे के सारे इनमें चावल दिख रहे हैं, और साथ में ताड़ के पेड़ आपको दिखेंगे। ताड़ एक्चुअली ये लोग, ये ठंडा रहता है, ताड़ जो आपको दिख रहा है ये ठंडा रहता है एक्चुअली, ठंडी तासीर बोलते हैं इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने एरिया में बहुत कम आते, ये यहीं बिक जाते, इनका बोलना है रहता है कि ये यहीं बिक जाते, क्योंकि एक भैया से मैंने बात करी तो बोले इधर ही बिक जाते हैं ये। तालाब तालाब कुलम। हाँ, तो ये तालाब है एक्चुअली, इधर कुलम बोलते हैं यहाँ पर तालाब को। बहुत बड़ा तालाब है यार ये, जहाँ तक मैंने थोड़ा सा दिखा था, बड़ा बहुत बड़ा तालाब है वो। बेगुलम वाह कुलम। हाँ चर्च चर्च। हाँ तरह का गांव है ये, फिलहाल गांव की तरफ ही चल रहे हैं हम लोग। और ये कुछ क्या है शायद, केले बड़े खतरनाक है इधर यार, वाकई में केले बहुत प्यारे केले लगे हुए हैं इधर। और आज हमको वो मौका मिला है एक्सप्लोर करने का गांव। एक बार गांव हम कर्नाटक के गांव में गए थे, वहां पर भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया था। और दूसरा गांव हम आए हैं अभी फ़िलहाल, वो बच्चा भाई कर रहा है। फिलहाल अभी आगे की तरफ जा ही रहे हैं इधर हम लोग। यहाँ का चौक है शायद फिल्म गांव, जो गांव है ये वाला। किसी गांव में रुके हुए हम लोग, और यहाँ पर ये कोई भाई लोग हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 करेगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। फिलहाल यहाँ शायद यहाँ इनके गांव, ये इनका कुछ है शायद गांव ही। तो फिलहाल हेलो हेलो रामदेव। कौन सा गांव है? हिंदी गांव, मध्य प्रदेश इंदौर। हाँ क्या निकलता है? मैं पूरा भारत घूम रहा है, ये पेड़ बचाना, सेव द ट्री सेव द अर्थ। तो ये दीदी एक्चुअली इनको बुला रहे हैं आंटी को। आंटी हेलो 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 कहीं गया हिंदी हिंदी यू ओनली हिंदी नो हिंदी नो हिंदी एक एक आदमी हिंदी आता है, आदमी हिंदी नहीं आता है, तमिल 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 तमिलनाडु है ना। हाँ
इंग्लिश या एक आदमी इंग्लिश बात करे इंग्लिश एंड हिंदी वन इन ए फैमिली वन पर्सन ओनली तमिल मोस्ट ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु या मध्य प्रदेश टोटल मोस्ट ऑफ पीपल कौन कहाँ करते हैं कौन सा गांव इंदौर 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 को कौन सा गांव इंदौर के पास में कनाडिया काम काम कौन काम मैं यूट्यूब वीडियो बनाता है प्रोफेसर टीचर टीचर इस तरह के कुछ घर बने हुए हैं इनके यहाँ पर।